Hello everyone, myself Sanchita Sharma, and today this video is for class 2nd for the month of October. Chapter 10, Safety Rules and First Aid. I'll read the chapter for you and then I'll explain you. Accidents can happen at any time, at any place. They occur due to our carelessness. They can be avoided if we follow the safety rules properly. If we follow safety rules, we will be safe. Here are some safety rules. Now see. एक्सीडेंट्स किसी भी टाइम पे कहीं भी हो सकता है, ठीक है, और ये हमारे केयरलेसनेस के वजह से होता है. और हम इसे कैसे अवॉइड कर सकते हैं? कुछ सेफ्टी रूल्स फॉलो करके. तो क्या क्या रूल्स हैं? हर जगह के अलग अलग रूल्स होते हैं. रोड का अलग होता है, खेलने टाइम अलग होता है, घर पे अलग होते हैं, ट्रैवलिंग में अलग होता है. आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग नाउ. ओके, सी, पॉइंट नंबर वन, वी हैव सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड. वॉक ऑन द फुटपाथ, हमें हमेशा फुटपाथ पे चलना चाहिए. क्रॉस द रोड ओनली एट द ज़ेब्रा क्रॉसिंग, ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे ही रोड क्रॉस करना चाहिए. लुक टू द राइट, देन टू द लेफ्ट एंड देन टू द राइट अगेन बिफोर क्रॉसिंग द रोड. रोड क्रॉस करने से पहले हमेशा सबसे पहले हमें अपने राइट देखना चाहिए, फिर अपने लेफ्ट देखना चाहिए, फिर राइट देखना चाहिए एंड देन वी शुड क्रॉस द रोड. नेक्स्ट, वी हैव क्रॉस द रोड ओनली वेन द ट्रैफिक लाइट इज रेड फॉर व्हीकल्स. ठीक है, हमें रोड तभी क्रॉस करना चाहिए जब ट्रैफिक लाइट रेड हो. रेड लाइट में क्या होता है, गाड़ी स्टॉप हो जाती है. तो जब व्हीकल्स रेड लाइट में जब स्टॉप रहते हैं, तब आप रोड आराम से क्रॉस कर सकते हो. नेवर प्ले ऑन द रोड, कभी भी रोड में खेलना नहीं चाहिए. Do not throw waste on the road, it can cause accidents. कभी भी रास्ते में कुछ वेस्ट नहीं फेंकना चाहिए. सपोज आपने कोल्ड ड्रिंक पिया, कोल्ड ड्रिंक का कैन फेंक दिए, तो क्या होता है, कभी गाड़ी वाड़ी अगर आता है तो उस कैन में क्या होता है, स्लिप कर सकता है, तो उससे क्या होगा, एक्सीडेंट्स होगा. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव सेफ्टी रूल्स एट होम. नेवर प्ले विद शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक नाइफ, सीजर्स और ब्लेड. कभी भी हमें शार्प ऑब्जेक्ट से नहीं खेलना चाहिए, जैसे नाइफ हो गया, सीजर्स हो गया या फिर ब्लेड हो गया. नेवर टच एनी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज और स्विचेज विथ वेट हैंड्स. कभी भी गीले हाथों से कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेज हमें टच नहीं करना चाहिए. डू नॉट टच हॉट पैंस एंड बॉइलिंग वाटर और मिल्क. ठीक है, हमें हॉट पैंस या बॉइलिंग वाटर या बॉइलिंग मिल्क हमें नहीं छूना चाहिए. ठीक है, कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम द स्टीम राइजिंग फ्रॉम अ बॉइलिंग पैन. अगर सपोज आपके घर पे पानी गर्म करते हो जब आप गैस पे, तो उससे क्या होता है, स्टीम निकलता है, धुआं निकलता है ना, तो आप लोग को उससे डिस्टेंस बना के रखना चाहिए, वरना क्या होगा, वो जो स्टीम निकलता है गैस से, उससे क्या होगा, हाथ जल सकता है आपका. ठीक है, सेफ्टी रूल्स वाइल प्लेइंग, ऑलवेज प्ले इन द ओपन फील्ड, नेवर प्ले नियर अ पॉन्ड, द स्विमिंग पूल और अ रिवर. हमेशा खुले मैदान में खेलना चाहिए, हमें कभी भी पॉन्ड या स्विमिंग पूल या रिवर के सामने नहीं खेलना चाहिए, आप गिर सकते हो. नेवर प्ले विथ इलेक्ट्रिक प्लग्स एंड स्विचेस, अगेन द सेम, कभी भी इलेक्ट्रिक प्लग और स्विचेस के साथ हमें नहीं खेलना चाहिए. ठीक है, नेवर प्ले और फ्लाई काइट ऑन द रोड और ऑन द ओपन रूफ्स ऑफ द हाउसेस. ठीक है, हमें कभी भी, जैसे बहुत जन काइट फ्लाई करते हैं या फिर खेलते हैं ओपन रूफ में, ऊपर जिस रूफ्स में कुछ भी नहीं होता है, तो वो ओपन रूफ्स होते हैं. ठीक है, तो उस रूफ वहाँ पे नहीं खेलना चाहिए, ओपन रूफ्स में नहीं खेलना चाहिए. नेवर रन आफ्टर अ हैंगिंग काइट. अगर कहीं पे अगर काइट अगर किसी पेड़ में हैंग कर रहा है या किसी बिल्डिंग में या कहीं भी, तो उसके पीछे नहीं भागना चाहिए. नाउ सी सेफ्टी रूल्स वाइल ट्रैवलिंग. स्टैंड इन अ क्यू व्हेन यू वेट फॉर द बस एट द बस स्टॉप. कभी भी बस स्टॉप में अगर आप वेट कर रहे हो बस के लिए, तो आपको हमेशा लाइन बना के खड़ा होना चाहिए क्यू में. ठीक है, डू नॉट गेट इन और गेट डाउन फ्रॉम अ मूविंग बस. चलते हुए बस से ना ही कभी चढ़ना चाहिए और ना ही उतरना चाहिए. डू नॉट पुट योर हेड और हैंड्स आउट ऑफ द विंडोज ऑफ अ मूविंग बस और अ कार. कभी भी अपने हेड या हैंड्स को खिड़की से बाहर नहीं निकालना चाहिए, बस से या कार से कहीं भी, किसी में भी हो आप, अगर आपको कभी भी अपने हेड या हैंड्स विंडो से बाहर मूविंग बस या कार के नहीं निकालने चाहिए. डो नॉट ट्रैवल ऑन द फुटबोर्ड. कभी भी आपको फुटबोर्ड पे नहीं ट्रैवल करना चाहिए. फुटबोर्ड क्या होता है, बस में जैसे आप चढ़ते हो तो जिस पे आप पैर रख के चढ़ते हो बस में, उसे फुटबोर्ड कहते हैं. ठीक है,
सेफ्टी रूल्स वाइल स्विमिंग, डू नॉट बाथ इन एनी अननोन पॉन्ड. ऐसा कोई भी पॉन्ड में आपको जा नहीं स्विम करना चाहिए जो आपके लिए अननोन हो, जो आप नहीं जानते हो, है ना. क्योंकि क्या होता है वो, क्यों ऐसा क्यों क्यों मना किया जाता है अननोन पॉन्ड में, क्योंकि पता नहीं होता है वो कितना डीप हो, है ना. डू नॉट गो फॉर स्विमिंग अलोन. कभी भी स्विमिंग के लिए अकेले नहीं जाना चाहिए, हमेशा किसी बड़े को अपने साथ लेके जाना चाहिए. ओके. इंश्योर दैट वाटर इन द पूल इज क्लीन एंड नॉट डीप इनफ. ठीक है, ये हमेशा आपको श्योरिटी रखना चाहिए कि पानी जो है वो पूल का साफ हो और ज़्यादा डीप नहीं हो. डो नॉट पुश और पुल अदर्स इन टू वाटर. किसी को पानी में धक्का या ठेलना या कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए. डो नॉट स्विम आफ्टर मील्स. खाना खाने के बाद स्विमिंग नहीं करनी चाहिए. यूज़ अ रबर ट्यूब वाइल स्विमिंग. जब भी आप स्विम करो आप एक रबर ट्यूब का इस्तेमाल ज़रूर करो. अदर सेफ्टी रूल्स, नेवर टीज एनिमल्स, दे मे इंज्योर यू. ये सबसे ज़रूरी है, आप सभी करते हो ये चीज़. नेवर टीज एनिमल, कभी भी किसी जानवर को नहीं टीज करना चाहिए. ऑलवेज फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ योर पेरेंट्स. जो भी आपके घर में आपके जो बड़े हैं आपको कोई भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसको फॉलो करना चाहिए. ठीक है. नेवर लुक डिरेक्टली एट सनलाइट और एनी स्ट्रॉन्ग लाइट, इट मे हर्ट योर आईज. खुले आँखों से डिरेक्टली सनलाइट में या किसी भी अपने घर में अगर आपका बल्ब भी लगा हुआ है आपको डायरेक्टली उसे लाइट को, स्ट्रॉन्ग लाइट को नहीं दिखना चाहिए. आपकी आँखों को इससे ये हो सकता है, आपका आँख खराब हो सकता है. नेवर शाउट डायरेक्टली इनटू द ईयर ऑफ एनीवन. किसी के भी कान में नहीं चिल्लाना चाहिए. ठीक है, इससे उसे दिक्कत हो सकती है. ये था हमारा सेफ्टी रूल्स. अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट एड की. फर्स्ट एड क्या है. फर्स्ट एड इज़ द इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर द डॉक्टर अराइव्स. ठीक है, डॉक्टर के आने से पहले जो तुरंत हम फर्स्ट एड जो हम हेल्प करते हैं पेशेंट को उसे हम फर्स्ट एड कहते हैं. सपोज़ अगर खाना बनाते बनाते किसी का हाथ जल जाता है. ठीक है, तो हाथ जलने पे हम क्या करेंगे, जाहिर सी बात है डॉक्टर के पास लेके जाएंगे. लेकिन जैसे हाथ जलता है पहले आप क्या करते हो, ठंडे पानी से हाथ धोते हो, आइस लगाते हो, टूथपेस्ट लगाते हो, है ना. तो ये क्या हुआ, ये आप उसे फर्स्ट एड दे रहे हो. ठीक है, सपोज आपका हाथ कट गया, किसी का हाथ कट गया, अगर किसी के हाथ कटने पर हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास लेके जाते हैं. ठीक है, लेकिन डॉक्टर के पास कैसे लेके जाते हैं, खून ब्लड निकल रहा है, ब्लड बहते बहते लेके जाओगे, नहीं. क्या करते हो, उसे पहले बैंडेज कर देते हो या किसी कपड़े से बांध देते हो कि ब्लड ना निकले. तो इसे क्या कहते हैं, फर्स्ट एड. यानी डॉक्टर के पास ले जाने से पहले या डॉक्टर के आने तक जो आप करके देते हो पेशेंट को उसे हम फर्स्ट एड कहते हैं. ठीक है, वी शुड हैव अ फर्स्ट एड बॉक्स एट होम एंड इन स्कूल. ठीक है, फर्स्ट एड बॉक्स हर जगह होना चाहिए, आपके घर में, स्कूल में. ठीक, द इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट शुड बी केप्ट इन द फर्स्ट एड बॉक्स आर सीजर्स, स्पून, कॉटन, बैंडेज, एंटीसेप्टिक लोशन एंड बर्नॉल. ठीक है, हमारे फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या होना चाहिए, सीजर्स, स्पून, कॉटन, बैंडेज, एंटीसेप्टिक लोशन एंड बर्नॉल. ओके, दीज आर द मेन थिंग्स शुड बी केप्ट इन आर फर्स्ट एड. लेट अस लुक एट सम स्टेप्स वी शुड टेक इफ वी कम अक्रॉस एनी एक्सीडेंट. छोटा मोटा घर में कुछ भी अगर एक्सीडेंट होता है तो हम क्या कर सकते हैं. इफ देयर इज अ कट इन योर फिंगर, हैंड या लेग, वॉश इट एंड अप्लाई अ स्ट्रिप ऑफ बैंडेज, कॉल योर एल्डर्स और डॉक्टर. अगर आपकी उंगली में कट हो जाता है या लेग में या कहीं भी अगर आपको कट लग जाता है तो आप क्या करोगे, पहले अच्छे से वॉश करके, ठीक है, वॉश करके, वाइप करके एंड देन आप क्या करोगे, एक बैंडेज का स्ट्रिप लगा लोगे और डॉक्टर या फिर किसी भी अपने घर में एल्डर्स की हेल्प लोगे. इफ देयर इज अ बर्न, होल्ड द बर्नड एरिया अंडर द रनिंग कोल्ड वाटर, अप्लाई एनी एंटीसेप्टिक लोशन और बर्न हील क्रीम. इन केस ऑफ सीवियर बर्न कॉल द डॉक्टर इमीडिएटली. ओके, अगर आप कि कहीं भी अगर फिंगर में अगर जल जाता है, पैर जल जाता है, कुछ भी ऐसा होता है तो क्या करना चाहिए, उस बर्न्ट एरिया को रनिंग कोल्ड वाटर यानी कि ठंडा पानी चला के उसे अच्छे से धोना चाहिए. हाथ मतलब ठंडे पानी के नीचे रखना चाहिए और उसके बाद कोई भी एंटीसेप्टिक लोशन
या फिर बर्न हील क्रीम। बर्न हील क्रीम मतलब अगर कोई भी बर्न क्रीम है वैसे, जैसे बर्न ऑल है, ठीक है, तो ये सब कुछ भी अगर ऐसा बर्न हील क्रीम है जिससे आराम मिले वो लगाना चाहिए। और अगर ज़्यादा जल जाता है, अगर कुछ सीवियर बर्न हो तो डॉक्टर के पास इमिजिएटली जाना चाहिए। इन केस ऑफ अ स्प्रेन और अ फ्रैक्चर, हेल्प द इंजर्ड टू लाई डाउन, स्टॉप एनी मूवमेंट ऑफ द इंजर्ड पर्सन, कॉल द डॉक्टर इमिजिएटली। अगर किसी को स्प्रेन, स्प्रेन मतलब मोच आना, ठीक है, अगर मोच आता है या फ्रैक्चर होता है तो क्या करना चाहिए, जिसे भी ऐसा होता है उसे तो पहले आराम से लेटाना चाहिए, और लेटा के फिर किसी भी बॉडी पार्ट में कोई भी मूवमेंट नहीं होना चाहिए पेशेंट का, और जल्दी से डॉक्टर को बुलाना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव इन केस ऑफ एन एनिमल बाइट, अगर कोई अगर डॉग बाइट है या फिर कुछ भी ऐसा है, अगर एनिमल बाइट है तो क्या करना चाहिए, वॉश द वाउंड विद सोप, ठीक है, जहाँ भी लगता है उस वाउंड को, उस घाव को अच्छे से साबुन से धोना चाहिए, और वही ठंडा पानी चलना, रनिंग वाटर में अच्छे से धोना चाहिए उसे, और फिर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। यू गेट इंजेक्शन फॉर दैट। इन केस ऑफ एन इंसेक्ट बाइट, अगर आपको इंसेक्ट काट लेता है, इंसेक्ट मतलब मॉस्किटो बाइट हुआ या फिर कोई भी इंसेक्ट अगर आपको काटता है तो क्या करना चाहिए, रिमूव द स्टिंग फ्रॉम दैट एरिया। पहले तो आपको उसको उस जहाँ आपको काटता है वहाँ पे क्या होता है, जो वहाँ से स्टिंग हटाना चाहिए। प्रेस आई क्यूब्स ऑन द अफेक्टेड एरिया, और क्या करना चाहिए, आइस क्यूब लेके उस अफेक्टेड एरिया में लगाना चाहिए, और फिर एंटीसेप्टिक क्रीम लगा लेना चाहिए। ओके, सो ये आपका फर्स्ट एड था एंड सेफ्टी रूल्स था। रीड द चैप्टर थोरली, ठीक है, चैप्टर अच्छे से पढ़ना है आप लोगों को, एंड देन बुक वर्क एंड नोटबुक वर्क आप लोगों को मिल जाएगा वेबसाइट पे, ठीक है। ये सी दिस, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ अ ट्रैफिक लाइट एंड कलर इट। आपको यहाँ पे क्या करना है, ट्रैफिक लाइट का पिक्चर बनाना है और कलर करना है, एंड राइट अबाउट इट्स इम्पोर्टेंस, और आपको कुछ इम्पोर्टेंस लिखना है ट्रैफिक लाइट का, ठीक है। तो ये आप अपनी बुक में ही करोगे ये वाला वर्क, एंड रेस्ट आपका बुक वर्क ये है, और नोटबुक वर्क भी आपको मिल जाएगा PDF में ही आपके लिंक में, ठीक है। सो टिल देन स्टूडेंट्स, आपका एक और वर्क है, आपको ये देख लो आप। अच्छा, ये राइट एनी वन सेफ्टी रूल दैट यू शुड फॉलो, ये वाला मैंने यहाँ लिखा हुआ है बिकॉज आई वॉज नॉट हैविंग, आई डेंट हैव मच स्पेस, ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा है, आपको ये अपनी नोटबुक में करनी है, ठीक है। देखो वीडियो पूरा देखोगे तो ही पता चलेगा क्या वर्क कहाँ करना है, आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखोगे आप लोगों को नहीं पता चलेगा, और मुझे पता चल जाएगा कि आप कौन वीडियो पूरा देखा है, ठीक है। तो ये वर्क आपको अपनी नोटबुक में करनी है बिकॉज यू डोंट हैव इनफ स्पेस हेयर, सो यू हैव टू डू दिस इन योर नोटबुक, EVS नोटबुक, ठीक है। ओके, टिल देन व्हाट यू विल डू, यू विल डू योर, यू विल कंप्लीट योर बुक वर्क, योर नोटबुक वर्क, यू विल रीड द चैप्टर, एंड इफ एनी कंफ्यूजन देन कॉल मी। ओके, टिल देन टेक केयर।